एवरीवन, टुडे इज 3rd of December एंड टुडे इज इम्पोर्ट आर्टिकल इज मोर वैक्सीन चॉइसेस। तो ये आर्टिकल है वैक्सीन के बारे में और इसमें जो हेडिंग दे रखी है, डेवलपमेंट ऑफ वन इंटरनेशनल वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 इज अ वेलकम इनिशिएटिव। तो डेवलपमेंट हुआ है एक इंटरनेशनल वैक्सीन का अगेंस्ट COVID-19, जो कि एक वेलकम इनिशिएटिव है। तो लेट्स रीड क्या दे रखा है। Nearly 3 months after Bharat Biotech's international COVID-19 vaccine was granted emergency use approval for the primary vaccination of adults. तो याद रखना, जो भारत बायोटेक है कंपनी है, इसने इंटरनेशनल वैक्सीन बनाई है जिसे COVID-19, तो इसको दे दिया गया है इमरजेंसी यूज अप्रूवल फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन। किसके लिए? एडल्ट्स के लिए। द वैक्सीन हैज नाउ गिवन द इमरजेंसी यूज अप्रूवल एज एन हेटरोलॉगस बूस्टर इन एडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है जो उन एडल्ट्स के लिए जो 18 ईयर्स से बड़े हैं। अनलाइक कोवैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, द इंटरनेशनल वैक्सीन यूजेज अ वायरल वैक्टर प्लेटफॉर्म दैट यूटिलाइजेज अ रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस एज अ वैक्टर। तो देखो, जो ये जो इंटरनेशनल वैक्सीन डेवलप हुई है, ये कोवैक्सीन से थोड़ी डिफरेंट है। जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन ये जो है ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म ये यूज़ करती है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म एंड यूटिलाइज द रिकॉम्बिनेंट एडेनो वायरस एज अ वैक्टर। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंस पूछ सकते हैं। एज अ हेटरोलॉगस बूस्टर, द इंटरनेशनल वैक्सीन वॉज टेस्टेड ऑन अराउंड 875 पार्टिसिपेंट्स इम्यूनाइज अर्लियर विद 2 doses ऑफ आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल वैक्सीन को टेस्ट किया गया 875 पार्टिसिपेंट्स के साथ और इम्यूनाइज पहले इसको किया गया था 2 doses ऑफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ। नेक्स्ट, अमंग द एडवांटेजेस इंटरनेशनल वैक्सीन हैव ओवर वैक्सीन इज दैट दे कैन पोटेंशियली प्रिवेंट द SARS-CoV-2 इन्फेक्शन एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो इंटरनेशनल वैक्सीन है अदर वैक्सीन से क्या करती है, पोटेंशियली प्रिवेंट कर सकती है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन को एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री पे। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे है। देर ऑल्सो फार ईजियर टू एडमिनिस्टर, इनको अच्छे से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एज इन द केस ऑफ द इंटरनेशनल वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, The booster dose 2 was tested only for safety and immunogenicity but not efficacy. और जो जो केस है इंटरनेशनल वैक्सीन के साथ फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, जो बूस्टर डोज है उसको भी टेस्ट किया गया है ओनली फॉर द सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिटी, लेकिन एफिकेसी के लिए नहीं। अनलाइक द वैक्सीन टेस्टेड अर्ली इन द पैंडेमिक, इवेल्यूटिंग द एफिकेसी ऑफ अ न्यू वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन एंड हेटरोलॉगस बूस्टर एट दिस स्टेज ऑफ द पैंडेमिक माइट बी वेरी चैलेंजिंग एज अ वास्ट पॉपुलेशन हैज बीन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड एंड और नेचुरली इन्फेक्टेड स्पेशली विद द ओमिक्रॉन वेरियंट। ठीक है, तो इस स्टेज पे जो लाइक द वैक्सीन जो भी टेस्टेड हुई है पैंडेमिक के टाइम पे और एफिकेसी की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और स्पेशली ओमिक्रॉन वेरियंट भी हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो हाउएवर इवन हायर इम्यूनोजेनिसिटी need not necessarily translate into higher efficacy, particularly the ability of the vaccine to prevent infection. तो जो higher immunogenicity को ज़रूरत नहीं, necessary नहीं है कि वो translate करें into higher efficacy, particularly the ability of the vaccine to prevent infection. ठीक है, SARS-CoV-2 virus has now acquired an even greater ability to evade existing immunity and cause an infection. जो SARS-CoV-2 virus है उसने acquire किया है even greater ability कि वो evade करे existing immunity and cause an infection. ठीक है, since the intranasal vaccine does not have the virus spike protein with newer mutation, जो intranasal vaccine है उसके पास नहीं है virus, does not have the virus spike protein with newer mutation, it is important to study within a defined time period the effectiveness of the intranasal vaccine to prevent infection and severe disease and death when used as a primary vaccination and a booster dose. तो important है ये study करना within a defined time period कि effectiveness क्या है intranasal vaccine का, कि वो prevent कर पाए infection को and severe disease and death जब उसको use किया जा रहा है as a primary vaccination and a booster dose. Alternatively, the vaccine's effectiveness कैन बी टेस्टेड इन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज. ठीक है, स्टडिंग दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल वैक्सीन द फेज 1 ट्रायल यूजिंग द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एंड एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन ऑरिजिनली डेवलप्ड फॉर इंटरमस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन एलिसाइटेड एंटीजन स्पेसिफिक म्यूकोसल एंटीबॉडी रेस्पॉन्सेज ओनली इन अ माइनॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट एंड द एंटीबॉडी लेवल्स वर फार लोअर देन फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन. ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक है भी डिस्कस करते हैं. द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एज एन इंटरनेशनल वैक्सीन डिड नॉट एलिसाइट कंसिस्टेंट म्यूकोसल
एंटीबॉडी रेस्पॉन्स नॉर अ स्ट्रॉन्ग सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसमें अभी पहले हमने ऊपर पढ़ा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में, तो एक इंटरनेशनल वैक्सीन है लेकिन वो नहीं करता है क्या, कंसिस्टेंट म्यूकोसल एंटीबॉडी रेस्पॉन्स नहीं देता है और ना ही एक स्ट्रॉन्ग सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, द डिमांड फॉर वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन हैज़ बीन रिड्यूसिंग सिंस द थर्ड वेव पीक्ड इन एंड जनवरी, वेल दोज फॉर बूस्टर्स हैव बीन लो इवन वैन द अवेलेबल फॉर फ्री फॉर 75 डेज बिगनिंग मिड जुलाई। ये नॉर्मल बात है। ठीक है, येट द डेवलपमेंट ऑफ अर इंटरनेशनल वैक्सीन अ न्यू वैक्सीन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एक वेलकम स्टेप है एंड हैविंग अ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन रिमेन्स अ हाई प्रायोरिटी। और एक ऐसी वैक्सीन जो सेफ हो, इफेक्टिव हो ऐसी वैक्सीन और प्रिवेंट करे इन्फेक्शन, वो हमेशा एक हाई प्रायोरिटी रहती है। तो ये बहुत सिंपल था और ये इंटरनेशनल वैक्सीन के बारे में अगेंस्ट कोविड-19 जो भारत बायोटेक ने बनाया है, ये याद रखना और उसमें क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं और क्या क्या स्टडीज इसमें और होने हैं, तो इसके बारे में था। तो बहुत सिंपल था। तो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।